हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उसका यूज करके जो हमें नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे मेन कन्फ्यूजन ये होता है कि पॉइंट का पोजिशन कहाँ लेना, एक्स वाई लाइन के ऊपर लेना या एक्स वाई लाइन के नीचे लेना, एचपी कहाँ होता है, ऊपर या नीचे, उसमें कन्फ्यूजन होता है। एचपी, वीपी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और अगर वो कन्फ्यूजन दूर करना है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पहले स्टडी करना पड़ेगा। और पोजिशन ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या पोजीशन ऑफ पॉइंट्स होता है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और पॉइंट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना, कहाँ ड्रॉ करना, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में ये हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का फर्स्ट लेक्चर बना रहे हैं। इसमें आज हम पूरी तरह से पॉइंट्स का पोजीशन स्टडी करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो पॉइंट कैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पॉइंट कैसे लिखा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे लिखा रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो पॉइंट का पोजीशन कैसा लिखा रहेगा और आपको कैसे ड्रॉ करना है वो आज हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का वीडियो बनाएंगे उसमें हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ और कैसे ड्रॉ करना वो हम बताएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स के टाइम जब कोई पॉइंट कोई ना कोई क्वाड्रेंट में होता है तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं वो एक सबसे पहले जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट ड्रॉ करते समय ये देखिए, इतना तो आपको शायद पता होगा कि दो एक्सिस होती है। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, और यह है वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होती है। ये देखिए, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। ये जो हम व्यू ड्रॉ कर रहे हैं यह है टू डी व्यू, माने टू डायमेंशनल व्यू। इसमें ये देखिए, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो है यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बने हैं। कैसे, ये देखिए, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, देन यह है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये स्टैंडर्ड है। देन सेकंड क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो ये स्टैंडर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो हमने पूरा बनाया है, ये जो पूरा बनाया है ये है 2D व्यू। अगर इसी को 3D व्यू के फॉर्म में अगर ड्रॉ करें तो 3D व्यू के फॉर्म में अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो कैसा बनेगा, हम यहाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थ्री डायमेंशनल व्यू आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये है 3D व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। ये हमने क्वाड्रेंट्स का एक व्यू बनाया है, इसी को हमने पहले ऐसा बनाए थे, ये था टू डायमेंशनल व्यू, 2D व्यू, और इसका यूज करके हमने ये देखिए यहाँ पे 3D व्यू बनाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है और ये वाई एक्सिस आपको दिख रहा है। एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग एक्स एक्सिस, और ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ दिस वाई एक्सिस, ऐसा, ठीक है। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है पैरेलल टू द ग्राउंड, और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे दो प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये एक वर्टिकल प्लेन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी को कहते हैं HP, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे HP। तो ये देखिए, ये है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये जो ऐसा खड़ा वाला ये जो प्लेन दिख रहा है इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन, माने VP, ये है VP। देखिए, ये HP माने हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये VP माने वर्टिकल प्लेन, ठीक है। HP को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ एक्स एक्सिस, ये 2D व्यू में, ठीक है ना, और वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और यही HP और VP से, माने यही हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन से यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बने हैं। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
यहां पे, ये है सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे, ठीक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप इसको, अगर आप ये डायमेंशन को सॉरी अगर आप ये डायग्राम को अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल रहा है, देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ये है, ठीक है ना, ऐसा वो ये है। देन ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये देखिए ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट वो ये है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है देखिए, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो यहां पे है, देखिए, ठीक है। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ऐसा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपको यहां दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जब पॉइंट होता है तो पॉइंट का पोजीशन क्वेश्चन में कैसा लिखा होता है वो आज हमें स्टडी करना है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये इसी को हमने एज अ मॉडल के थ्रू आपको समझाएंगे। ये देखिए ये मॉडल आपके सामने है, तो यहाँ देखिए ये एक वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे हमने दो प्लेन लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने दो प्लेन लिए हैं, एक को हम वर्टिकल प्लेन लेंगे और एक को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, और दोनों को अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो जो डायग्राम हमने वहाँ बोर्ड पर बनाया है वही डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए मॉडल हमारा यहाँ पर बन गया, ये देखिए, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे वही डायग्राम, इट मीन्स ये मॉडल है वो, ये देखिए दिख रहे हैं क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे आपको क्लियर कट फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है और यहाँ पे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है। देखिए अगर आप प्रॉपरली कंपेयर करेंगे, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ये है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू द ग्राउंड, ये है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन कौन सा है, देखिए ये है वो वर्टिकल प्लेन, ये देखिए ये है पूरा वर्टिकल प्लेन, और ये दोनों प्लेन को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा के ये एक क्वाड्रेंट बना दिए। हम ये दोनों प्लेन को अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हम इसको अलग कर सकते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये इधर वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वाला जो है वो वर्टिकल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन को हमने ऐसा ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे ये ऐसा ऐसे क्वाड्रेंट्स बन चुके हैं, ये देखिए। और अब हमें समझना है कि पॉइंट अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में लेंगे तो उसका पोजिशन कैसे होता है क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसको समझाने के लिए हमने एक पॉइंट ले लिया है, देखिए ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट को अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम यहाँ पे सेट करेंगे और उसका पोजीशन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट को अभी हमने फिलहाल ये यहाँ पे रख दिए, देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट हमने यहाँ रखा है, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा है, तो अगर पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर यहाँ हो तो इसका पोजीशन क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज ऑन एचपी या पॉइंट इज इन एचपी, ठीक है। अगर यही पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ ऊपर ले लिए यहाँ पे, ये जो वर्टिकल प्लेन था यहाँ पे, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज इन वीपी। पहले हमने पॉइंट यहाँ एचपी में लिए थे, देखिए पहले यहाँ पे था तो ये था पॉइंट इज इन एचपी, और फिर हमने यहाँ लिए तो यहाँ पे था पॉइंट इज इन वीपी, हमने यहाँ रखे हैं तो ये हो गया पॉइंट इज इन एचपी। लेकिन अगर यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो ये हो गया पॉइंट इज अबव द एचपी, पॉइंट इज अबव द एचपी। देखिए अगर हम पॉइंट ऊपर रखते हैं तो ये हो गया पॉइंट इज अबव द एचपी, मतलब एचपी से थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम पॉइंट ऊपर रखते हैं तो ये हो गया पॉइंट इज अबव एचपी, और यही अगर पॉइंट हम अगर नीचे लेते हैं, देखिए अगर यही हम पॉइंट यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर फोर में लेते हैं नीचे, तो ये रहेगा पॉइंट इज बिलो एचपी, इट मीन्स पॉइंट जो है वो एचपी से नीचे है। अगर ऊपर है तो लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव एचपी, और अगर नीचे है तो लिखा रहेगा पॉइंट इज बिलो एचपी, ठीक है। अगर यहां पे भी अगर देखिए यहां पे क्वाड्रेंट नंबर टू में अगर यहां पे ऊपर है, देखिए क्वाड्रेंट नंबर टू में अगर यहां पे ऊपर है ऐसा पॉइंट, तो यहां पे भी लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव एचपी, और यहां पे अगर है क्वाड्रेंट नंबर थ्री में तो यहां लिखा रहेगा पॉइंट इज बिलो एचपी, ठीक है। तो ये हो गया एचपी से रिलेटेड। अब हम वीपी से रिलेटेड देखते हैं कि वीपी से रिलेटेड क्या होगा। देखिए पॉइंट हमने फिर से क्वाड्रेंट नंबर वन में ले लिए यहां पे, देखिए क्वाड्रेंट वन में, तो ये एचपी से ऊपर है, ये देखिए एचपी से जो है ये इतना ऊपर है, एचपी से ऊपर है, इट मीन्स ये अबव एचपी है। लेकिन वीपी का पोजीशन क्या है, देखिए तो यहाँ पे ये वीपी के सामने है, देखिए वीपी के इतना सामने है, ठीक है ना, वीपी के इतना सामने है, इट मीन्स ये हो गया इन फ्रंट ऑफ वीपी। जब भी सामने हो तो क्वेश्चन में लिखा रहता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब इसके आगे,
इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये जो प्लेन है इसके आगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी ऐसा लिख रहेगा। इन फ्रंट ऑफ वीपी इसका मतलब वीपी के सामने, मतलब ये जो वीपी है, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन के सामने। तो ये देखिए, अगर ये पॉइंट सामने रहा ऐसा, ये देखिए, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी के सामने। और यही अगर पॉइंट यहां पे हो जाए, देखिए क्वाड्रेंट नंबर टू में चला गया, तो वीपी के साथ इसका पोजीशन क्या होगा, वीपी के साथ पोजीशन हम कहेंगे पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, मतलब वीपी के पीछे। देखिए आप जहां से देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन के पीछे में पॉइंट है। देखिए यहां पे पीछे में पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट है यहां पे, और वर्टिकल प्लेन के पीछे है। ये देखिए आप जहां से देख रहे हैं उसके लिए ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के पीछे में यहां पे पॉइंट है। अगर ये पीछे में पॉइंट है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, अगर आगे हो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, माने वीपी के आगे। और अगर पॉइंट अगर पीछे है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी, माने वीपी के पीछे। और अगर यहां रहेगा क्वाड्रेंट नंबर फोर में, क्वाड्रेंट नंबर थ्री में, तो भी वही लिखा रहेगा। देखो अगर क्वाड्रेंट नंबर यहां पे फोर में अगर रहेगा तो देखिए वीपी के सामने दिख रहा है आपको, तो यहां लिखा रहेगा पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए मतलब वीपी के सामने, देखिए आप जहां से देख रहे हैं वहां से आप ये वीपी के सामने देख पा रहे हैं, मतलब ये है पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी के सामने। और अगर यही पॉइंट अगर यहां पे हो क्वाड्रेंट नंबर थ्री में, तो यहां पे लिखा रहेगा पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी। देखिए आप जहां से देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं तो देखिए पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, तो यहां लिखा रहेगा पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी, माने वीपी के पीछे। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन देख लिए एचपी या वीपी के साथ, लेकिन इसका कंबाइन पोजीशन क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा वो देखिए। क्वेश्चन में जब भी लिखा होता है तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन एचपी वीपी दोनों के साथ दिया होता है, तो दोनों के साथ अगर दिया है तो कैसे समझना वो एक बार देख लेते हैं। तो ये हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन्स अगर प्रॉब्लम में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है पॉइंट का पोजीशन तो क्या लिखा रहेगा वो हम यहां लिखेंगे। देन सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्या लिखा रहेगा वो भी हम यहां लिखेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो क्या लिखा रहेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या लिखा रहेगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट का पोजीशन आपको पहचानते आना चाहिए। तो यहां देखिए चारों क्वाड्रेंट्स का पोजीशन हम यहां पे लिखेंगे। देखिए ये चारों क्वाड्रेंट्स का पोजीशन जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है तो आपको फोर वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो बहुत ही आसान है। फोर वर्ड्स कौन से हैं, फर्स्ट वर्ड है ऊपर, सेकंड वर्ड है नीचे, थर्ड वर्ड है सामने, और फोर्थ वर्ड है पीछे। इसका मतलब फर्स्ट वर्ड जो हमने बताया ऊपर माने अबव, क्वेश्चन में लिखा होता है पॉइंट इज अबव एचपी, अबव एचपी माने एचपी से ऊपर। सेकंड पोजीशन लिखा होता है पॉइंट इज बिलो एचपी, माने एचपी से नीचे। थर्ड पोजीशन लिखा होता है पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी के सामने। और फोर्थ पोजीशन लिखा होता है पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, मतलब वीपी के पीछे। तो ये चार वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम यहां पे लिख के देते हैं, ये बहुत आसान है। तो यहां पे अबव, अबव माने ऊपर, ये देखिए ये एक फर्स्ट वर्ड हमने लिख दिए। सेकंड हम यहां लिख रहे हैं बिलो, बिलो माने नीचे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ में, इसलिए हम लिख के दे रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर हमें इंग्लिश इतनी तो आती है कि अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये ना समझ में आए, लेकिन हम उन स्टूडेंट्स लोगों को लिख के दे रहे हैं जिनको इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अबव और बिलो ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में आता है, लेकिन बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ यहां पर कन्फ्यूजन होता है, तो ये हम उनके लिए लिख के दे रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, सामने मतलब वीपी के सामने, ऐसा है इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब वीपी के सामने। और एक वर्ड लिखा होता है बिहाइंड, बिहाइंड वीपी, ऐसा लिखा रहेगा। बिहाइंड मतलब यहां पे पीछे, मतलब यहां पे पीछे हम लिखेंगे, तो ये बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड द वीपी लिखा रहेगा, मतलब वीपी के पीछे। तो ये चार वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये चार वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों वर्ड्स के ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन वर्क करेगा। आप कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे, तो जो भी हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स का पोजीशन दिया होता है, तो कभी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया होता है, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में, तो उसके लिए क्वेश्चन में पोजीशन लिखा होता है, पॉइंट इज अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट बी इज बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये सब पोजीशंस अगर आपको पता करना है तो उसके लिए ये फोर वर्ड्स का मीनिंग पता होना ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये फोर वर्ड्स का यूज करके यहां पे चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन अगर रहेगा तो कैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो देखते हैं। देखिए अगर क्वाड्रेंट नंबर वन में हो, अगर कोई भी पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर वन में है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये हम यहां पर लिख के रखते हैं, पॉइंट इज, यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो हमने आईएफओ ऐसा लिखे, फिलहाल शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिखे इन फ्रंट ऑफ आईएफओ। तो यहां पे हमने लिखे पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब पॉइंट एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है। देखिए एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी आपको दिख रहा है, ये एचपी के ऊपर और वीपी, ये देखिए ये जो वीपी आपको वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, इट मींस पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट वन का पोजीशन हो गया। तो ये देखिए मॉडल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहां पे पॉइंट है, पॉइंट पी हमने ले लिए, यहां पे पॉइंट जो है वो एचपी से ऊपर है और ये वीपी के सामने है। देखिए एचपी से ऊपर, पहले पोजीशन हमेशा एचपी के रिस्पेक्ट में लिखा होता है और देन वीपी के रिस्पेक्ट में लिखा होता है। तो ये जो पॉइंट है ये अबव एचपी है माने एचपी से ऊपर, और ये इन फ्रंट ऑफ वीपी है माने वीपी के सामने। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन, कंफर्म क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब ये कितना अबव है, कितना इन फ्रंट ऑफ है, वो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, लिखा रहेगा पॉइंट इज 30 mm अबव द एचपी एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा लिखा हो सकता है। या तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि पॉइंट इज 20 mm अबव द एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, माने कोई ना कोई डायमेंशन दिया रहेगा कि पॉइंट कितना ऊपर है, कितना सामने है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 10 mm अबव द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से 10 mm ऊपर है और 25 mm सामने है। तो ऐसे पॉइंट के पोजीशन क्वेश्चन में लिखे होते हैं, तो आपको पहचानते आना चाहिए। कभी भी अगर पॉइंट अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी हो तो तुरंत दिमाग में फिट करना कि वो क्वाड्रेंट नंबर वन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर वन का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट नंबर टू में, अगर क्वाड्रेंट नंबर टू में हो पॉइंट तो पॉइंट का पोजीशन लिखा रहेगा। ये देखिए पॉइंट, ये देखिए क्वाड्रेंट नंबर टू में है, तो अगर ये क्वाड्रेंट नंबर टू में है तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए एचपी से ऊपर है, ठीक है ना, एचपी से ऊपर है और ये वीपी के पीछे है, एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, माने अबव द एचपी बिहाइंड वीपी, क्योंकि पीछे माने बिहाइंड होता है। देखिए ये हमने जो लिख के रखा है यहां, देखिए यहां पे बिहाइंड कहां दिख रहा है, देखिए बिहाइंड माने पीछे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्वाड्रेंट नंबर टू में यहां हमने लिए थे, तो ये देखिए एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, अबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, तो इसका पोजीशन हम वहां लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे पॉइंट इज अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो ये हो गया क्वाड्रेंट टू का पोजीशन, जब कभी भी पॉइंट क्वाड्रेंट टू में रहेगा। देखिए ये था क्वाड्रेंट वन, इधर है क्वाड्रेंट टू, देखिए ये है क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। तो अगर क्वाड्रेंट टू में रहेगा पॉइंट तो लिखा रहेगा कि अबव द एचपी माने एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे, ये देखिए ये जो वीपी है वीपी के पीछे, एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, माने अबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, ऐसा क्वाड्रेंट टू के बारे में पोजीशन दिया रहेगा। और अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हो तो क्या लिखा रहेगा। तो देखिए इसको फिर से मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए ये मॉडल है, यहां पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए थे, सेकंड क्वाड्रेंट में लिए थे, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब कहां है आप खुद वहां से देख के आप पता करिए। देखिए क्या दिख रहा है, एचपी से ऊपर है कि नीचे है। पहले जब ये क्वाड्रेंट वन में था,
क्वाड्रेंट टू में था तो क्या था, पॉइंट जो है वो एचपी से ऊपर था तो आपने लिखे अबव एचपी। देखिए क्वाड्रेंट वन में था तो पॉइंट आपने लिखे पॉइंट इज अबव द एचपी। क्वाड्रेंट टू में था तो भी आपने लिखे पॉइंट इज अबव द एचपी। ये देखिए दोनों में आपने लिखे पॉइंट इज अबव द एचपी, लेकिन अब क्वाड्रेंट वन या क्वाड्रेंट टू में नहीं है, अब वो क्वाड्रेंट थ्री में है। तो क्वाड्रेंट थ्री में है तो क्या है, ये देखिए एचपी से नीचे है, देखिए एचपी से इतना नीचे है तो ये रहेगा क्वाड्रेंट, ऐसा लिखा रहेगा पॉइंट इज बिलो एचपी। एचपी से नीचे मतलब पॉइंट इज बिलो एचपी। देखिए नीचे के लिए बिलो वर्ड यूज करना है तो ये रहेगा पॉइंट इज बिलो एचपी, माने एचपी से नीचे और वीपी के पीछे, क्योंकि ये देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, आप जहां से देख रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन के पीछे आपको दिख रहा है, यहां पे पॉइंट जो है ये ऐसा पीछे में है, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, माने बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी, बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी, माने एचपी से नीचे वीपी के पीछे। ठीक है, आप जहां से देख रहे हैं वहां से आपको ये क्लियर कट दिख रहा है, एचपी के नीचे वीपी के पीछे। ठीक है, बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी, ये कंफर्म हो गया, ये क्वाड्रेंट थ्री का पोजिशन है। तो आइए वहां पे क्वाड्रेंट थ्री का पोजिशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज यहां पे बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो ये हो गया क्वाड्रेंट थ्री का पोजीशन। और अगर क्वाड्रेंट फोर में हो तो देखते हैं क्या होगा। क्वाड्रेंट फोर माने यहां पे देखिए, पहले हमने क्वाड्रेंट वन में लिए थे, देन क्वाड्रेंट टू में लिए थे, देन क्वाड्रेंट थ्री में लिए थे, अब यहां क्वाड्रेंट फोर में। अगर क्वाड्रेंट फोर में है तो क्या लिखा रहेगा, देखिए वो भी हम यहां पहले ही लिख देते हैं समझाने के पहले कैसे। देखिए अगर पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, इट मीन्स यहां रहेगा, तो जब आप यहां से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर क्वाड्रेंट फोर में रहेगा तो वो एचपी के नीचे रहेगा और वीपी के सामने रहेगा, एचपी के नीचे वीपी के सामने, समझने का प्रयास करो। तो यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट इज बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का पोजीशन। इसको मॉडल के थ्रू समझ लेंगे, तो ये देखिए इसको मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको क्या दिख रहा है, आप जहां से देख रहे हैं वहां से देखिए इसको, आपको आपको कैसा दिख रहा है, ये जो पॉइंट है आप जहां से देख रहे हैं ये एचपी से नीचे दिख रहा है, ये देखिए एचपी से इतना नीचे है, एचपी से नीचे। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो एचपी से ऊपर था तो हमने लिखा था अबव द एचपी, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये एचपी से नीचे है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके नीचे है, मतलब ये लिखा रहेगा बिलो द एचपी। और क्या दिख रहा है, ये वीपी के सामने दिख रहा है, देखिए वीपी के सामने, जब यहां पे था तो लिखा था बिहाइंड द वीपी, माने वीपी के पीछे ऐसा लिखा था, अब आप जहां से देख रहे हैं ये वीपी के सामने दिख रहा है, मतलब सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, ये देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने रहेगा, ठीक है, मतलब वीपी के सामने, तो ये यहां पे है मतलब ये वीपी के सामने है, मतलब एचपी से नीचे वीपी के सामने, मतलब बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट फोर का पोजीशन। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व, जब भी आप कोई प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के पोजीशन के साथ साथ उसका लेंथ दिया होता है कि पॉइंट कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये सब लिखा होता है। जैसे अगर पॉइंट अगर यहां क्वाड्रेंट नंबर वन में है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 20 mm अबव द एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब 20 mm ऊपर है और 30 mm सामने है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन हो गया। अगर पॉइंट यहां है तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है पॉइंट देखिए यहां है क्वाड्रेंट टू में, इसका मतलब ये ऊपर है, एचपी से ऊपर है और वीपी के पीछे है, मतलब ये पॉइंट इज 20 mm अबव द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब ऊपर और पीछे, 20 mm ऊपर 30 mm पीछे। और अगर क्वाड्रेंट थ्री में हो तो क्वाड्रेंट थ्री में लिखा रहेगा पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, मतलब एचपी से नीचे वीपी के पीछे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 20 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी। ठीक है, मतलब 20 mm नीचे है और 30 mm पीछे है। और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये एचपी से नीचे है वीपी के सामने है, इसका मतलब बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 20 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ऐसा लिखा रहेगा। तो ये है पॉइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि कैसे कोई पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में पहचानते हैं। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये देखिए लिखा है अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से ऊपर वीपी के सामने, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, मतलब क्वाड्रेंट वन।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेंट टू में अगर है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा अबव एचपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी बिहाइंड वीपी मतलब एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। ये देखिए अबव एचपी बिहाइंड वीपी, ये क्वाड्रेंट टू के लिए है। क्वाड्रेंट थ्री के लिए लिखा रहेगा क्वाड्रेंट थ्री में अगर है तो बिलो एचपी बिहाइंड वीपी मतलब एचपी से नीचे वीपी के पीछे, एचपी के नीचे वीपी के पीछे, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। ये देखिए पॉइंट इज बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एचपी से नीचे वीपी के सामने, ठीक है ना, एचपी से नीचे और वीपी के सामने। ये देखिए यहां पे लिखा है पॉइंट इज बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एचपी से नीचे और वीपी के सामने। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे कोई पॉइंट होता है वो आपने स्टडी कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का सॉल्व करते समय या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करते समय पॉइंट का पोजीशन दिया होता है, तो पॉइंट का पोजीशन हमने इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक कोई भी प्रॉब्लम में पॉइंट का पोजीशन ही पहचानते आना चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर पूरा खेल है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है वो यूनिट प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो समझ जाना कि उनको पॉइंट का पोजीशन पहचानते नहीं आता है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि अभव और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, अभव और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिलो और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, ये सब आपको पहचानते आना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। और उसके लिए ये जो भी यहाँ पे 3D शेप में ये जो हमने ड्रॉ किए हैं, जो हमने मॉडल के थ्रू आपको बताए थे, वो मॉडल आपको इमेजिन करना है और वो मॉडल में जो भी क्वाड्रेंट्स हैं वो क्वाड्रेंट में पॉइंट को इमेजिन करके आपको क्वेश्चन को समझना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये चार वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो ये हो गया आज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पूरा पॉइंट्स के पोजीशन के ऊपर ध्यान दिए और पॉइंट्स के पोजीशन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका फ्रंट व्यू कहां बनता है, टॉप व्यू कहां बनता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कहां बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो पॉइंट का फ्रंट व्यू कहां बनेगा, ऊपर या नीचे, कभी दोनों ऊपर बनते हैं कभी दोनों नीचे बनते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा और इसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो इसका जरूर देखिए। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का आज का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोस लिए थे, अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।